जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक है आज, तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ में होगी। जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, तो सीएम मनोहर लाल भी जीएसटी बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, वित्त मंत्री के तौर पर बैठक में शामिल होंगे सीएम। कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट घटने बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, तो राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर भी चर्चा होने वाली है। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक है आज, माना जा रहा है कि बैठक अपने आप में काफी खास रह सकती है। तो आज से जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय अहम बैठक है, तो इस बैठक में कंपनसेशन का जो मुद्दा है वो भी उठाया जाएगा। राज्यों को रेवेन्यू में नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन की सुविधा शुरू की गई है। तो आपको बताएं कि ये जो डेडलाइन है वो जून 2022 में खत्म हो रही है। तो जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक है आज, तो आज से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय अहम बैठक है। काउंसिल की बैठक में 6 महीने के बाद जो गैप हुआ है उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक है, तो वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक चंडीगढ़ में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस बैठक में महंगाई कम करने के फॉर्मूले पर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। राज्यों की कई अहम मांगों पर विचार के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में चुनिंदा आइटम के टैक्स रेट बदलने वाले हैं, जिनका रिकमेंडेशन फिटमेंट पैनल ने किया है। हालांकि 113 उत्पादों पर टैक्स दरें बदलने के प्रस्ताव को रेड सिग्नल दिखाया गया है। पेट्रोल और शराब फिलहाल जीएसटी से दूर है, लोग चाहते हैं कि इसे भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए पर आ जाएगी। लेकिन क्या इस बैठक में पेट्रोल डीजल और शराब का जिक्र होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, आइए जानते हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। शराब बियर को जीएसटी के दायरे में लाने पर बात हो सकती है। कई चीजों में टैक्स स्लैब के बदलाव पर चर्चा हो सकती है। ई वाहन पर 5% जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर जीएसटी रेट बढ़ सकते हैं। 2 लाख से महंगे सोने की आवाजाही पर ई वे बिल जरूरी हो सकता है। हरियाणा का वित्त मंत्रालय प्रदेश के मुखिया के मनोहर लाल ही देख रहे हैं, ऐसे में वह भी राज्य के हित में अपनी मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगे रखेंगे। अब देखना होगा कि इस महामंथन से आम आदमी के लिए राहत की क्या खबर निकलती है। चंडीगढ़ से रवि काली रमन, हरियाणा न्यूज। तो आपको बताएं कि चंडीगढ़ में आज जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक होनी है। माना जा रहा है कि आज ये बैठक अपने आप में काफी खास रह सकती है, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि पेट्रोल के दाम घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रह सकती है। तो चंडीगढ़ में ये 47वीं मीटिंग होगी, हालांकि वित्त मंत्री के तौर पर इस बैठक में सीएम मनोहर लाल भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट घटने बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, तो राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। चंडीगढ़ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, क्या समझा जाए इस बैठक में, क्या कुछ खास रह सकता है, कितने एजेंडों पर आज बातचीत हो सकती है? सुशील, निश्चित तौर पर साधना, देखिए आज 47वीं बैठक है
चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सभी प्रदेश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और चूंकि हरियाणा में वित्त मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री के जिम्मे है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 11 बजे से बैठक शुरू होगी और 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। जो बैठक में मुख्य मुद्दा है, जो टॉपिक है, उसमें माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा होगी, यानी जो टैक्स स्लैब को लेकर GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं सभी राज्यों के, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, अंतरिम रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट पर भी मंथन होगा जिसके तहत कई वस्तुओं के दामों में वृद्धि और कई वस्तुओं के दामों में कमी लाई जा सकती है। यानी GST की श्रेणी में कई वस्तु ऐसी हैं जिसको शामिल करने की चर्चा हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल भी GST की श्रेणी में लाने के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ यह बैठक होगी, उन पर मंथन किया जाएगा। साथ ही बियर को भी GST में लाने की बैठक मंथन होगा और उस पर भी बातचीत होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि जब 2017 में GST बनाई गई थी, GST लागू की गई थी, तो उस दौरान कहा गया था कि सभी राज्यों को राज्यों के रेवेन्यू में 14% का ग्रोथ होगा GST बनने से, और अगर 14% तक ग्रोथ नहीं होता तो उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो केंद्र सरकार भरपाई करेगी। 5 सालों के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था, यह बात कही गई थी, और 2017 से 2022 है और 22 तक, यानी 5 साल का ये जो मियाद है, समय है, वो पूरा हो रहा है 30 जून को। ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं, चाहे केरल हो, राजस्थान हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन्होंने पहले भी मांग की है कि जो सरकार ने 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही थी, क्षतिपूर्ति भरपाई की बात कही थी, उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां उनका जिनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है और उन्हें नुकसान हो रहा है GST की वजह से। तो इस पर भी चर्चा होगी और माना जा रहा है कि इसको लेकर भी एक गहन मंथन होगा। हालांकि जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री इस पक्ष में नहीं है कि उस भरपाई को कंटिन्यू किया जाए, यानी और आगे ले जाया जाए। हालांकि शेष के संबंध में उन्होंने कहा है कि GST की शेष है वो 2026 तक लागू की जाएगी, यानी वो 5 साल के लिए और 5 साल और अवधि के लिए बढ़ाई गई है। ये तमाम मुद्दे हैं, साथ ही इसको और GST की प्रक्रिया को और कैसे सरल की जाए, जो नया पंजीकरण है ई कॉमर्स के लिए, उसको कैसे और सुनिश्चित किया जाए और आसान कैसे किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो ये तमाम बातें हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होगी और मंथन के बाद माना जा रहा है कि कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों में कम और ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो निगाह है वो निगाह पेट्रोल डीजल की तरफ है, क्योंकि आज जो महंगाई बढ़ी है उसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर कहीं जाता है, सबसे बड़ा कोई कारक है, तो निश्चित तौर पे पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, और इस बैठक में उस पर मंथन होना है। देखना है कि क्या पेट्रोल डीजल को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, क्या GST में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर GST में शामिल होता है पेट्रोल डीजल, तो निश्चित तौर पे आज जो 100 रुपए करीब जो प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल या डीजल की कीमतें भिन्न भिन्न राज्यों में है वो सिमटेंगी और वो 70 से 75 के आसपास तक आ सकती हैं। तो निश्चित तौर पे देखना होगा ये 2 दिवसीय जो बैठक में क्या कुछ खास निकलता है। जी ठीक है सुशीला, बने रही हमारे साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि, आज चंडीगढ़ में GST काउंसिल की बैठक होनी है, कितने बजे ये बैठक होगी, साथ ही साथ कितना खास समझा जाए इस बैठक को, क्या कुछ एजेंडा रह सकता है इस बैठक का? रवि बिल्कुल साधना, देखिए GST काउंसिल की 47वीं बैठक ये होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही है। इस बैठक में कंपनसेशन का मुद्दा गरमा सकता है। राज्य को रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन की सुविधा शुरू की गई थी, इसकी डेडलाइन जो है 2022 में समाप्त हो रही है। ऐसे में आज जो चंडीगढ़ की GST काउंसिल की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है, काउंसिल की बैठक में 6 महीने के गैप के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो रही है। 1 जुलाई 2022 को GST को लागू किया गया था, 5 साल पूरे होने वाले, माफ कीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था और आज 5 साल पूरे होने वाले, उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। काउंसिल की बैठक में की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करने जा रही है। अगर बात की जाए कंपनसेशन को लेकर, तो कंपनसेशन के लिए जो है
रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी का जो वादा किया था केंद्र की सरकार, राज्यों से वादा किया था कि हर साल उनके रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए बेस ईयर 2015-16 माना गया था। इसके इसमें अगर कमी आती है तो केंद्र अगले 5 सालों के लिए कंपनसेशन की मदद से इसकी भरपाई करेगी। तो कहीं ना कहीं ये अवधि जो है वो पूरी हो रही है, और लगातार अगर जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो राज्य कहीं ना कहीं कंपनसेशन को लेकर एक्सटेंशन की मांग कर सकते हैं और ये अवधि बढ़ाने की मांग जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं उनको जीएसटी में शामिल करने की जो मांग है वो लगातार उठती रही है, क्योंकि प्रदेश में जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। अगर पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में शामिल होते हैं तो महंगाई में भी थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जीएसटी को पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल किया जाता है तो करीब 33 रुपए की जो कमी है वो पेट्रोल में देखी जा रही है कि 33 रुपए सस्ता पेट्रोल हो सकता है। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए शराब की, शराब को भी जीएसटी में शामिल करने की जो मांग है वो लगातार जो है वो की जा रही थी, और ऐसे में शराब भी सस्ती होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी जो है वो लगाई जा सकती है। कृत्रिम अंगों को ऑर्थोपेडिक्स प्रत्यारोपण पर एक समान की जो दर है वो की जा सकती है। इसके अलावा बैठक में ई वाहनों पर 5% टैक्स जो है वो करने का निर्णय लिया जा सकता है। सोने और कीमती पत्रों की ई वे बिल जो जरूरी है उस पर मोहर लग सकती है। छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण में राहत मिल सकती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं आज की बैठक में शामिल होने वाले हैं और कहीं ना कहीं इन पर जो है विचार किया जाएगा। इन पर कहीं ना कहीं कुछ एक मुद्दों पर जो है मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज की जीएसटी की बैठक जो हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है लगातार पूरे प्रदेश में देश में लोग पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इस बैठक पर नजर गड़ाए हुए हैं कि जीएसटी पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल किया जाता है या नहीं। जी रवि, अगर बात की जाए तो 30 जून 2022 को कंपनसेशन का सिस्टम समाप्त हो रहा है, तो क्या जो विपक्षी दल है वो उसे डेडलाइन बना सकता है? बिल्कुल, देखिए इस पर काफी बहस भी हो सकती है क्योंकि विपक्षी दल लगातार यही मांग करेंगे कि उनको कंपनसेशन की जो अवधि है जो 30 जून को खत्म हो रही है इसको बढ़ाया जाए। लगातार जिस प्रकार से 14% की जो बात की गई थी, 14% रेवेन्यू में बढ़ोतरी का जो वादा किया गया था वो कहीं ना कहीं 14% नहीं रहा था, और ऐसे में राज्यों को होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। तो विपक्षी दल इस मांग को लेकर अड़ सकते हैं कि इसमें एक्सटेंशन जो है वो और मिले, कुछ एक साल की लिए और राहत दी जाएगी। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सुशील भी बने हुए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। लगातार हम बात कर रहे थे यही जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर, तो बात करें जीएसटी जो काउंसिल की जो बैठक है 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैठक कितनी खास रह सकती है? सुशील, निश्चित तौर पर देखिए ये बैठक इसलिए भी खास है कि जब इससे पहले 45वीं बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी और वहां कई ऐसे प्रोमिसेज जीएसटी के संदर्भ में किए गए थे और माना जा रहा था कि जब 5 साल पूरा होगा यानी 2022 में तो उस वक्त कई ऐसे बदलाव जीएसटी में किए जाएंगे, जीएसटी के स्लैब में किए जाएंगे, और सबसे ज्यादा फोकस जो देखिए जीएसटी की बैठक में जो सबसे ज्यादा फोकस है वो टैक्स स्लैब को लेकर है। क्योंकि इसमें अगर अंतरिम जो रिपोर्ट है जीओएम की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसमें उस पर मंथन होगा, उस पर मंथन के बाद अगर कमी लाई जाती है कई वस्तुओं में जो रोजमर्रा की चीजें हैं तो महंगाई कहीं ना कहीं कम होगी। और सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में यह है कि महंगाई किस तरह से कम की जाए जो महंगाई बढ़ी हुई है, और उसको लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स पे मंथन होकर मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किन किन वस्तुओं पे टैक्स स्लैब देखा जाता है, किन पे ज्यादा होता है, किन पे कम किया जाता है। सुशील, क्या हम मान लें कि जो 47वीं बैठक होनी है इसमें कंपनसेशन का जो मुद्दा है वो यहाँ पर सुलझ जाएगा, क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए तीन, मैंने पहले ही बताया कि तीन मुद्दे अहम है इस बैठक का, और तीनों, पहला मुद्दा यह है कि कंपनसेशन टैक्स स्लैब का है, दूसरा कंपनसेशन का है, और तीसरा है कि जीएसटी में पंजीकरण का जो रास्ता है और आसान कैसे किया जाए, क्या नए जो पंजीकरण है उनमें किस तरह से छूट दी जाए, उनको कैसे लुभाया जाए, किया जाए। तो ये तमाम तीनों मुद्दे हैं और तीनों मुद्दों को लेकर यह बैठक है। और जो जहां तक उलझने का विवाद का सवाल है कि राज्यों के साथ, तो निश्चित तौर पर कई विपक्षी, जहां विपक्ष की सरकार
सरकार है, कई राज्य ऐसे हैं, हालांकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि बिहार सरकार ने भी डिमांड किया है कि जो क्षतिपूर्ति नियम है जो सरकार ने 5 सालों के लिए, केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए किया था, उसको कंटिन्यू किया जाए, ये डिमांड है। और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी है क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं, क्योंकि 14% साधना, मैंने बताया कि 14% रेवेन्यू ग्रोथ की बात की गई थी 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया, तो उस वक्त राज्यों को यह बताया गया था, कहा गया था कि 14% तक उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और ऐसे में जो नहीं हो रहा है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है टैक्स का वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और वही वहन उसी को, चूंकि कई राज्य ऐसे हैं जो उसे अप टू द मार्क नहीं जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन में, तो वहां वो क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार कर रही है और वो आगे भी करती रहे, इसको लेकर यह मंथन है। देखना है कि सरकार इसको कंटिन्यू करती है या फिर कोई नए नियम लाती है। जी ठीक है सुशीला, बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं। रवि, इस बैठक को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, कितने बजे ये बैठक होनी है, साथ ही साथ और क्या जानकारी दे सकते हैं आप इस बैठक को लेकर? रवि बिल्कुल साधना, 11 बजे होटल हयात, चंडीगढ़ स्थित होटल हयात में इस बैठक का ऑफिशियल टाइम जो है वो रखा गया था, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से सुशील बता रहे थे, सुशील सबसे पहले ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक के बारे में जो बात कर रहे हैं, सबसे कंपनसेशन टू स्टेट इस पर फोकस रहने वाला, सबसे ज्यादा फोकस कंपनसेशन टू स्टेट पर रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो रेवेन्यू में 14% बढ़ोतरी का जो वादा था, जिस प्रकार से कई स्टेट जो है 14% बढ़ोतरी के साथ काम नहीं कर पा रहे, उनको जो है रेवेन्यू जो सरकार केंद्र सरकार देती थी, तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है हंगामा कर सकते हैं, उसको बढ़ाने की एक्सटेंशन की जो बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती कैसे हों, सबसे पहले जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें भी में महंगाई जो है वो देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जीएसटी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी शामिल किया जाए जीएसटी को, तो ऐसे कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर भी काफी जो है गहन चिंतन किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है। इसके साथ साथ ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात जिस प्रकार से सरकार लगातार कर रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं उनमें जो छूट है वो 5% कर दी जाए, वो उसका जो टैक्स है वो 5% कर दिया जाए, इसको लेकर भी बातचीत जो है इस बैठक में हो सकती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुछ खुले पैकेट बिना ब्रांडेड वाले जो सामान है, खाद्य सामान है, उन पर भी जो है रियायत जो है वो दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बात की जाए तो जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी या घटोतरी जो है वो की जा सकती है कुछ एक प्रोडक्ट्स के लिए अगर खासकर बात की जाए। तो इसके अलावा शराब की बात की जाए तो शराब में भी कहीं ना कहीं उसको भी जीएसटी में शामिल करने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। रवि आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।